हेलो एवरीवन आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड लर्निंग फ्रॉम माय वीडियोस तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एफ्टा एफ्टा एंड टैपा क्या होता है तो उसके समझने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि एक एडिटोरियल पब्लिश हुआ है इंडियन एक्सप्रेस में उसमें क्या बात करी है जो एफ्टा ने है ना जो एफ्टा का सेक्रेटरी जनरल है उसने एम्फेसाइज़ किया है इंडिया को कि इंडिया और एफ्टा की जो स्टेट्स हैं वो दोनों मिलकर एक टैपा एग्रीमेंट को साइन करें अब टैपा क्या होता है ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड एफ एफ्टा ठीक है तो हम इसको समझने के लिए पहले हम एफ्टा को समझेंगे कि ये चीज़ जो है ट्रेड को ये जो एग्रीमेंट कर रहे हैं इसके लिए क्यों एनफरसाइज कर रहा है एफ्टा तो एफ्टा जो है होता है यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है हमारा जिसके अंदर हमारी चार कंट्रियाँ आती हैं और वो जो चार कंट्रियों को आप नाम सुनोगे ना वो डेवलप्ड कंट्री है बहुत अच्छी कंट्री है जो वर्क वगैरह डेवलपमेंट में बिजनेस वगैरह बहुत आ गया है तो पहले हमारी इसके अंदर आइसलैंड आ गया ठीक है आइसलैंड हो गया स्विट्जरलैंड है हमारा इसके अंदर उसके साथ साथ नॉर्वे नॉर्वे एंड जो लास्ट वन हमारी आ जाती है रिचेस्टिन ये हमारी चार कंट्रीयां हैं जो एफ्टा के अंदर आती है जो कि मतलब गिनी जाती है कि बहुत आ, मतलब बहुत अच्छा ये बिजनेस वगैरह कर रहे हैं बहुत अच्छा है, इनकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है तो एफ्टा जो है ना और इंडिया के बीच में जो ये बात चल रही है ना कि तो ये बात हमारी कब से स्टार्ट हुई थी तो हमारी एक मीटिंग हुई थी अप्रैल में अप्रैल में जो वो मीटिंग हुई थी ना उस मीटिंग में एफ्टा ने और इंडिया ने बात की थी कि हम एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं दोनों मिल काम करते हैं तो ये अभी 2023 में एफ्टा की मीटिंग हुई थी न्यू दिल्ली के अंदर ही हुई थी और इसमें ये दोनों साथ में काम करना चाह करने के लिए बात हो रही थी तो इसका जो मेन टॉपिक था ना कि हमें अपने बिजनेस को इकोनॉमिक को इंक्रीज़ करने के लिए पार्टनरशिप प्रोग्राम कर लेना चाहिए ठीक है आ, तो ये हमारा कंटेक्स था पूरा पूरा अब एफ्टा के बारे में बता दिया मैंने कि एफ्टा हमारे यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है जो कि हमारा इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ठीक है इंटर गवर्नमेंटल मतलब जो जो इसके साथ uh, जो मतलब स्टेट कंट्रीज हैं वो सब मिलके अपना वर्क करते हैं तो इंटर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये हमारी एफ्टा और ये हमारी कब बनी थी ये हमारी उन नाइनटीन सिक्सटी में बनी थी ठीक है और इसका ना यूरोप की जो यूनियन है ना वो इसका पार्ट नहीं है यूरोप यूनियन जो ई यू कहते हैं वो इसका बिल्कुल भी पार्ट नहीं है इसमें सिर्फ ये चार कंट्री आती हैं और ये पर यूरोपियन यूनियन की मार्केट को एक्सेस कर लेता है ठीक है ये मार्केट को एक्सेस करता है जो यूरोपियन यूनियन की मार्केट है पर ये इसका पार्ट नहीं है ये आप याद रखना एग्जाम में पूछ सकते हैं आपके लिए तो जो है हमें एफ्टा एफ्टा के लिए इतनी सी चीज़ें आपके लिए इम्पोर्टेंट थी अब ये हमारे इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है मेन यही है कि अगर हम एफ्टा के साथ एग्रीमेंट कर लेते हैं तो हमारे लिए इम्पोर्टेंस क्या है इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इंडिया के लाइक आपको पता है इंडिया में जो ह्यूमन रिसोर्स बहुत ज़्यादा है ठीक है हमारी जो पॉपुलेशन है बहुत अच्छी है जो इंडिया के ह्यूमन रिसोर्सेज से हम अगर अच्छे से काम लें तो हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छे से ग्रो कर सकती है तो जो हमारा एफ्टा है एफ्टा में आप देखो एफ्टा की जो पॉपुलेशन बहुत लेस है ठीक है लाइक चौदह मिलियन के आसपास इसकी एफ्टा की पॉपुलेशन है उसके बाद भी ये इतना अच्छा ग्रो कर रहा है ठीक है क्योंकि इसका प्रोडक्शन और जो दूसरी कंट्रोल में भेजना और कंजप्शन वगैरह बहुत इनोवेशन में बहुत ज़्यादा आगे है और इसका मतलब कॉम्पिटिवनेस ये करके चलता है दूसरी कंट्रियों से और इसकी इवन क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बेस्ट है एफ्टा की जो एफटा में ये कंट्रीज आ रही है ना इनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बहुत अच्छी है इनोवेशन बहुत बेस्ट वेस्ट, वेस्ट यहाँ के देखने को मिलते हैं अगर ये हम साइन कर लेते हैं ना तो इंडिया की जो मैन पावर है ना एफ्टा के साथ मिलके बहुत अच्छा काम कर सकते हैं तो एक ये हमारा सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस ये हो गई दूसरा हमारे ट्रेड में ट्रेड में हम आगे निकल सकते हैं लाइक टेंथ लार्जेस्ट मर्चेंट ट्रेड जो है ना हमारी इंडिया के अंदर ओके ये हमारे टेंथ लार्जेस्ट मर्चेंट ट्रेडर में काउंट होते हैं उसके बाद ये एट लार्जेस्ट सर्विस जो सर्विस ट्रेडर है वो प्रोवाइड करते हैं हमारी जो एफ्टा है उसके साथ वर्ल्ड लीडर की अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड लीडर इसके अंदर क्या है ये कंपनी लीड कर रही है वर्ल्ड में लाइक किस किस उस चीज़ में फार्मा की चीज़ों में ठीक है फार्माक्यूटिकल हो गए बायोटेक के रिगार्डिंग हो गया जो साइंस एंड टेक की चीज़ें होगी मशीनरी है हमारी बैंकिंग है इन सब में बहुत अच्छा ये रोल प्ले कर रही है ठीक है उसके साथ साथ ये हमारे बैंकिंग को भी कर रही है और हमारा जितनी भी जियो के रिगार्डिंग एनर्जी हम लेते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी लेते हैं उनके लिए भी कर रही है फाइनेंशियल सर्विस में भी बहुत आ गया हमारी तो वर्ल्ड में लीड कर रही है ये इन सारी चीज़ों में तो इसलिए हमें इसके साथ करना चाहिए हमारा भी आगे नाम हो सकता है और इसकी जो सक्सेस हिस्ट्री भी बहुत ज़्यादा है ठीक है एफ्टा की जो सक्सेस हिस्ट्री है बहुत अच्छी है कि ये एफ्टा जो भी एग्रीमेंट साइन करता है ना वो उसका बहुत अच्छा जाता है लाइक like अभी भी ये रिसेंटली भी अगर मैं इसकी बात करूँ एफ्टा जो है ना 40 कंट्रियों के साथ अपना एग्रीमेंट चला रहा है ठीक है 40 कंट्रियों के साथ अपना एग्रीमेंट चला है जो कि फ्री ट्रेड के उसमें ये वर्क करता है उनके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चालीस कंट्रियों में से ट्वेंटी नाइन कंट्रियों में ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अपना कर रहा है मान मतलब यहाँ पर कोई भी उसके ट्रेड नहीं लगेगा जो भी वो वहाँ पे भेजेगा लाइक like, इसका जो फ्री ट्रेड चल रहा है होंगकोंग हो गया इंडोनेशिया फिलिपीन साउथ कोरिया इन सब के साथ ये फ्री ट्रेड अपना चला रहा है और इसका वर्क बहुत अच्छा चल रहा है अब ये आफ्टर मैंने आपको बता दिया अब दूसरी इसमें हम ट्रम्प क्या कह रहे हैं टैपा टैपा एग्रीमेंट ये करने की कह रहे हैं ना टैपा की जो मैंने अभी फुल फॉर्म आपको बताई थी जो हमारे पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ठीक है लाइक ये यहाँ पर लिखा हुआ है ना ये हमारे ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है तो हम इसके रिगार्डिंग इसको अब टेपा को पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ अ टेपा ये हमारा पार्टनरशिप एग्रीमेंट है ट्रेड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट जो कि हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कवर अप करता है जो भी इकोनॉमिक के रिगार्डिंग हम इकोनॉमिक वर्ल्ड अप करने के लिए एक्टिविटी करते हैं ना उनको सबको कवर अप कर रहा है ठीक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज को कवरअप कर रहा है उसके साथ साथ ये क्या कर रहा है अपने जो गुड्स एंड सर्विस होती है ठीक है जो हम अच्छी चीज़ें बना रहे हैं बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए भी ये वर्क करता है गुड एंड सर्विसेज को प्रोवाइड अच्छी तरह से कर रहा है उसके साथ ये इन्वेस्टमेंट में भी बहुत आ गया है मतलब इन्वेस्टमेंट भी इसके थ्रू बहुत अच्छा खासा देखने को मिल सकता है और उसके साथ इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी होती है आई हमारी होगी कॉम्पिटिशन पॉलिसी होगी गवर्नमेंट के प्रोक्रिपमेंट हो गए इन सब में टेपा बहुत आ गया है और इसका ना फ्लैक्सीबिलिटी भी है अगर कोई बात हो जाती है तो इसमें नेगोशिएशन टर्म्स एंड कंडीशन में भी हम चेंज कर सकते हैं ठीक है टेपा में आपको फ्लैक्सीबिलिटी देखने को मिलेगी लाइक like अगर यूरोपियन यूनियन की बात करते हैं या अदर उसकी बात करते हैं तो उसे फ्लैक्सिबिलिटी नहीं होती जिस कंडीशन पे साइन वगैरह हुआ है ना तो उसी कंडीशन के हिसाब से चीजें होती है लाइक like अभी रिसेंटली मैंने बताया था कि चाइना और इसका जो दूसरी कंट्री है तो इनके बीच में क्या दिक्कत हो रही है ट्रेड के लेके बात आ रही है कि ट्रेड के ऊपर हम टैरिफ लगा रहे हैं ठीक है यूरोपियन यूनियन ने कम्प्लेन किया कि इंडिया ने जो मोबाइल की चीज़ें होती हैं इंडिया के अंदर आ रही है उसके ऊपर इन्होंने यू ने, ने कम्प्लेन करी है जो हमारे यूएस को है इसके अंदर कि ये, ये हम ना उसके ऊपर टैरिफ क्यों लगा रहे हैं ठीक है उस पर टैक्स इतना ज़्यादा इंक्रीज़ क्यों कर रहे हैं तो यही चीज़ है अगर इसमें हमारे टैपा में अगर हम करते तो इसमें यह फ्लैक्सीबिलिटी है अगर कोई कंडीशन पर पहले साइन हुआ है तो हम उसके अंदर चेंज कर सकते हैं ठीक है इसमें भी ग्रेट फ्लेक्सीबिलिटी देखने को दिया। और इसके अंदर हम अगर करते हैं तो ये हमें म्यूचुअल बेनिफिट्स देता है ठीक है दोनों कंट्रीज के अंदर म्यूचुअल बेनिफिट होगा दोनों कंट्रीज को इसमें बेनिफिट होगा लाइक ह्यूमन हमारी जो मैन पावर है वो अच्छी खासी है और वहाँ के जो इनोवेशन है बहुत अच्छे है ठीक है इससे हमारा स्ट्रॉन्ग प्रोविजन बनेगा जो हमारा लेबर एंड एनवायरमेंट है उसमें बेनिफिट मिलेगा और जो हमारे डिस्प्यूट सेटलमेंट में भी हेल्प करेगा ठीक है कोई भी अगर डिस्प्यूट सेटलमेंट करवाना होगा तो उसके लिए भी टेपा हमारी हेल्प करता है वर्क करता है तो अब इसके अब अगर हम ये एग्रीमेंट कर देते हैं तो इसके पोटेंशियल बेनिफिट क्या क्या देखने को मिलते हैं आपको वो पता होना चाहिए ठीक है जो हमारे इसके पोटेंशियल बेनिफिट है इससे हमारा ट्रेड इंक्रीज हो जाएगा क्या हम दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी वर्क कर पाएंगे अपनी चीज़ों को भेज पाएंगे तो ट्रेड में इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा आपको और उसके साथ साथ लाइक like, हम स्ट्रॉग पार्टनरशिप प्रोग्राम कर रहे हैं उनके साथ उसके साथ हमारी जो जेंडर इक्वालिटी है वो भी ठीक हो रही है ठीक है हम प्रमोट कर रहे हैं हर चीज़ को अच्छी तरह से तो हमारा ट्रेड इंक्रीज हो रहा है हमें मार्केट एक्सेस मिल जाएगा काफ़ी जगहों का ठीक है हम इजीली मार्केट एक्सेस कर पाएंगे लाइक like, आपको पता है चाइना के अंदर हमारा इतना कम एक्सपोर्ट है क्योंकि हम वहाँ पे चीज़ें क्यों नहीं भेज पाते बेच सकते क्योंकि वो हमारे ना हम उसकी मार्केट को एक्सेस करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा टैक्स लगा देता है अपने मार्केट को एक्सेस नहीं करने दे देता इसलिए वहाँ से हम इंपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं तो वही रीज़न वहां पर आ रहा है तो यहाँ पर हम मार्केट एक्सपोर्ट अच्छे से कर सकते हैं जिसमें हम एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट दोनों चीज़ को देख सकते हैं ठीक है एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट पे बहुत अच्छा इफेक्ट देखने को मिल सकता है तो ये हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है उसके बाद इन्वेस्टमेंट भी इंक्रीज़ हो जाएगी ठीक है अगर हम इसके साथ कर रहे हैं तो ये इन्वेस्टमेंट इंक्रीज़ कर रहे हैं हमारी जो कंट्री है इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे एफ्टा ने ऑलरेडी अगर मैं ऐप्टा की बात करूंगे तो इसने ऑलरेडी हमारी इंडिया में थर्टी फाइव का इन्वेस्टमेंट कर दिया है ठीक है और ये इन्वेस्टमेंट किस में किया है जो हमारी ये इनोवेशनस की चीज़ें होती है इसके अंदर इन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर दिया इंडिया के अंदर तो इन्वेस्टमेंट हम अगर ज़्यादा होगा तो नौकरी ज़्यादा मिलेगी लोगों को तो इसमें हमें बेनिफिट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और म्यूचुअल बेनिफिट आपको पता ही है म्यूचुअल बेनिफिट एक ही है जो सबसे बड़ा है हमारी मैन पावर है और उनकी स्किल्स है ठीक है हमारी मतलब उनकी स्किल्स लेंगे हम बहुत सारी अच्छे अच्छे हाई स्किल्स वो हमें देंगे उसके साथ हमें उन्हें मैन पावर जो ह्यूमन सपोर्ट है वो करवा पाएंगे तो ऐसे ही जो 400 कंपनीज़ का बेनिफिट अगर हम उसको देखेंगे लाइक like, कह रहा है कि फ्यूचर में है ना फोर हंड्रेड कंपनी को ये एस्टेब्लिश करना चाहते हैं इंडिया के अंदर अब ये फोर हंड्रेड कंपनी आ रही है तो हमारी मिनिमम वन लाख फिफ्टीन थाउजेंड वन लाख फिफ्टीन थाउजेंड जॉब्स जनरेट हो सकते हैं और लोगों को है ना इंप्लॉयमेंट मिल सकते हैं तो ये भी हमारा बहुत अच्छा बेनिफिट है उसके साथ साथ जो रिन्यूबल टेक्नोलॉजी है ठीक है ये रीनूएबल टेक्नोलॉजी है हमारी इलेक्ट्रिसिटी के लिए उसमें भी इनका बहुत ज्यादा हमारा हेल्प ये कर सकता है क्योंकि फिफ्टीन जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी है सोलर विंड हाइड्रो जियो की मदद से बनती है और यही रिन्यूएबल टेक्नोलॉजी वहां पर बहुत अच्छे से तो इसमें भी हमें बेनिफिट देखने को मिल सकता है बट इसके साथ साथ अब देखो आपको भी पता है अगर बेनिफिट्स मिल रहे हैं तो उसके साथ साथ चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं ठीक है तो सबसे बड़ा हमारे चैलेंज क्या है इसके अंदर जो अगर हम चैलेंज की मैं बात करती करते तो हमारा चैनल चैलेंज यही है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिफरेंस हमारा अलग अलग है लाइक वहाँ पे बहुत कम पॉपुलेशन है पॉपुलेशन कम है तो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिफरेंस हमें देखने को मिल सकता है और वो डेवलप कंट्री है ठीक है डेवलप कंट्री है और हमारी डेवलपिंग कंट्री है तो हम डेवलपिंग में आ रहे हैं वो ऑलरेडी डेवलप्ड है क्योंकि एफटा के जो है सारी की सारी चीज़ें बहुत अच्छी इनोवेटिव यूज़ हो रही है और इवन मार्केट एक्सेस में भी हमें दिक्कत आ सकती है क्योंकि मार्केट एक्सेस में वही टैरिफ वाली बात आ सकती है क्योंकि टैरिफ लग सकता है नॉन टैरिफ वैरियर देखने को मिल सकता है फी टू फेयर ट्रेड की अगर ये इंश्योरिटी हमें दे रहे हैं कि एंश्योर कर रहे हैं कि फ्री एंड फेयर हम वो करेंगे ट्रेड तो जैसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ये हमारे साथ करते हैं इसके साथ साथ तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल है नहीं तो ये चीज़ दिक्कत दे सकते हैं उसके बाद रेगुलेटरी चैनल चैलेंजेस हैं अगर हम रेगुलेट कर रहे हैं इसे इंडिया में तो वो हम क्या क्या चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं लाइक लीगल फ्रेमवर्क में दिक्कत आ सकते हैं कॉपरेशन हम कैसे कॉपरेट कर रहे हैं वो कैसे कॉपरेट कर रहे हैं हाई कॉम्पिटिशन देखने को मिलेगा बिटवीन इंडिया एंड एफ्टा क्योंकि सबसे बड़ा ही रीज़न है वो डेवलप्ड है वी आर डेवलपिंग क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे अच्छे इनोवेशन है तो ये सारी दिक्कतें देखने को मिल सकते हैं तो ये हमारी पूरी एफ्टा के बारे में और टैपा आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई है एंड ये चीजें आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगी एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं देन सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड